बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ, जो कि सर्दियों के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है आपके लिए। आपको जो नजला जुकाम वगैरह या खांसी वगैरह होती है उसके लिए भी बहुत मुफीद है। और ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही यानी कि आपके लिए एनर्जीफुल भी है। इससे आपके जिसमें में प्रोटीन्स वगैरह हैं वो भी ये आपको फ्राहम करेगी, और आपके कफ है, नजला जुकाम, ऐसी जो चीजें हैं, बीमारियां हल्की फुल्की रोजमर्रा में होती है इंसान को, खासकर सर्दियों में, उसके लिए भी आपके लिए बहुत मुफीद है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखना। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी हरी प्याज बारीक कटी हुई ली है, इसका मैंने व्हाइट हिस्सा लिया, ग्रीन हिस्सा भी नहीं लिया। इसके बाद थोड़े से मैंने मटर लिए, थोड़ी सी गाजर लिया है क्यूब में कटी हुई, थोड़ी सी शिमला मिर्च क्यूब में कटी हुई, और ये हरी प्याज का ग्रीन हिस्सा है, और थोड़ी सी बंद गोभी मैंने लिया, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। एक चम्मच नमक, एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, तीन चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और ये हमारी सबसे अहम चीज है जो मैंने आपको अभी मैं बताऊंगी कि ये जो चीजें जो छिलके वगैरह हमने लिए इनका हमने क्या करना। आपने ज्यादातर देखा होगा कि वेजिटेबल सूप सिंपली तरीके से वैसे बनाते हैं कि वेजिटेबल्स काटी वगैरह और उसको हल्का फुल्का फ्राई किया और बाद में जो भी है, लेकिन आज हम ये सूप जो बना लिया है थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे जो हमने वेजिटेबल्स उसमें सूप में डालनी, उसके पहले छिलके हमने लेने हैं। तो मैं बताती हूँ कि आपको कि मैंने कौन कौन सी वेजिटेबल के छिलके लिए हैं। सबसे पहले मैंने लिए आलू के छिलके, थोड़े सा बंद गोभी का छिलका, मटर के छिलके, गाजर के छिलके, फूल गोभी का छिलके, थोड़े से प्याज का छिलका, जिंजर यानी कि अदरक का छिलका, और साथ में हमने लहसुन का छिलका भी लिया है। तो सबसे पहले हम जो हमारा मेन स्टेप है वो करते हैं, तो चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम सब्जियों के छिलके देगची में डालेंगे। आपने सबसे पहले इनको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि बाजार की सब्जियां होती हैं इन पे डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होता है। मैंने इनको काटने से पहले इनको वॉश कर लिया था। तो ये डालने के बाद अब हम इसमें तकरीबन 5 गिलास पानी डालेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो हमने एक बड़ा चम्मच नमक का लिया था, जिसमें से हाफ चम्मच हम ये डाल रहे हैं इसमें सूप में। तो अब हम नमक को इसमें मिक्स कर देंगे, और इसके बाद हम इस पे ढक्कन ढांक देंगे, और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम नॉर्मल आंच पे, ज्यादा नहीं फुल आंच नहीं छोड़नी, हमें नॉर्मल आंच पे इसको उबालना, ताकि इनके अंदर जो भी रस वगैरह है, जो भी प्रोटीन वगैरह है, वो पानी में आ जाए और अच्छे से ये बॉयल हो जाए। तो 10 से 15 मिनट हमारे हो गए, हमने अच्छे से उबाला इन सारे छिलके जो है सब्जी के, तो ये सही से उबल गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे अच्छे से। अगला स्टेप करेंगे। तो मैंने हल्का सा पैन को गरम कर लिया है, इसमें हम सिर्फ 1 या 1.5 चम्मच तेल डालेंगे। तो तेल को हमने हल्का सा गरम कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को इस तेल में हल्का सा हम घुमा लेंगे, ताकि जरा सा इसका दुपट्टा कर लें, वो दूर हो जाए। प्याज को हमने थोड़ा सा भून लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर और गाजरें, और इसके साथ ही शिमला। इनको भी हम हल्का सा भून लेंगे। सब्जियों को हमने हल्का सा भून लिया है। तो अब हमने जो वो छिलके उबाले थे सब्जियों के, उनका पानी इसमें डालेंगे।
डाला है काली मिर्ची और नमक। और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको हम पकाएंगे ताकि इसको अच्छे से उबाल आ जाए। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सब्जियों को अच्छे से उबाल आ गया है। 3 मिनट तक हमने इसको ढांक के रखा और उबाल आने तक इसको पकाया। अब इसको अच्छे से उबाल आ गया और सब्जियां भी हमारी काफी अच्छी से गल गई हैं। तो इस स्टेज पे आके मैंने ये कॉर्नफ्लोर बना लिया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से बनाया और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और साथ में हिलाती जाऊंगी ताकि इसमें गट्ठे ना बने। अपने एक साथ नहीं कॉर्नफ्लोर डालना, एक साथ डालने से ये बहुत वो है ना, इसमें सारे गट्ठे वगैरह बन जाएंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारा सूप तैयार हो गया है। तो कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे बंद गोभी और साथ में ये जो हमारे पास हरी प्याज है इसको डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सूप हो गया रेडी। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो यहाँ पे हमारी सर्दियों की जबरदस्त रेसिपी तैयार हो गई है, यानी कि हमारा वेजिटेबल सूप। आपने देखा कितना इजीली तैयार हो गया और बहुत ही जबरदस्त लुक आ रही है इसकी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्दियों में इंसान को ज्यादातर अक्सर औकात जो है नजला जुकाम खांसी हो जाती है, और उसके लिए ये सूप बहुत ही मुफीद है, बहुत ही अच्छा है। ट्रायल लाजमी करना। और अगर आपको जो मेरे सूप की वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए आगे ला सकूं। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।